हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ विद रिया में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रेवी मशरूम की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं ग्रेवी मशरूम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ लिया है बारीक कटा हुआ एक प्याज, बारीक कटा हुआ एक टमाटर, 8 से 10 मशरूम जिन्हें हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। साबुत मसालों में हमने यहाँ लिया है 2 टीस्पून धनिया, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, आधा टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पिंच ऑफ हींग। सबसे पहले हम एक पैन गरम होने रख देंगे। इसमें सभी साबुत मसाले डालेंगे। हमें सभी मसालों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए मसाले अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन मसालों को एक ग्राइंडिंग जार में लेंगे और इन्हें बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मसाले बारीक पीस कर तैयार हैं। अब हम पैन गरम होने रखेंगे, ऑयल डालेंगे इसमें चारों तरफ। अब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे। हमें मशरूम्स को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई होने देना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मशरूम अच्छे से फ्राई हो गए। वापस से सेम पैन गरम होने रखेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल अच्छा गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, हींग, अच्छे से जीरे को चटकने देंगे। प्याज ऐड करेंगे इसमें, अच्छे से मिला देंगे इसे। लहसुन ऐड करेंगे, भुनने देंगे प्याज और लहसुन को। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन होकर तैयार है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे से मिला देंगे इसे। टमाटरों को हमें अच्छा नरम होने तक भूनना है। ये देखिए टमाटर अच्छे भुनकर तैयार हैं हमारे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे। साथ ही हम इसमें सभी मसाले डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये जो हमने साबुत मसाले पीसे थे उसमें से आधा टीस्पून मसाला डाला है मैंने, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिला देंगे इसे। अब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम्स के ऊपर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 कप पानी डाला है। अगर आप ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो 1 कप पानी डालें। अच्छे से मिला देंगे इसे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। ये देखिए ग्रेवी अच्छी पककर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अच्छे से मिला देंगे इसे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया,
अच्छे से मिक्स कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।